Our effort for peace should never be taken as a sign of weakness. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. पाक फौज हमा वक्त वतन की हिफाजत के लिए तैयार, कोई फर्ज मादर वतन की हिफाजत से मुकदम नहीं। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा अम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को हरगिज कमजोरी ना समझा जाए। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं। Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. We will ensure that this bond is preserved and further solidified through selfless performance of the duties. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन की आवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान दरार डालने की साजिश नाकाम होगी। मुसल्ला फौज और आवाम का एतमाद का बाहमी रिश्ता बरकरार रखेगा। दुश्मन रियासती और समाजी हमांगी मुतासिर करने के दर पे है। रियासत का महवर पाकिस्तान के आवाम है। पाकिस्तान फर्मली स्टैंड्स विद इट्स कश्मीरी ब्रदरन इन देयर हिस्टोरिक स्ट्रगल फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड देयर लेजिटिमेट क्वेस्ट फॉर द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एज पर द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर एंड द रेजोल्यूशंस ऑफ द यूएन Security Council. Stability, security and peace in Afghanistan remains fundamental to our security. मसला कश्मीर के हल के बगैर इलाकाई अमन का ख्वाब कभी शर्मंदा ताबीर नहीं होगा। आर्मी चीफ का खिताब में दो टोक मौकफ, कहा कश्मीरी भाइयों की सियासी और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान में अमन कायम के बगैर खत्ते में अमन कायम नहीं होगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में मुख्तलिफ कोर्सेज की तकमील पर पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कैडेट्स और उनके वालिदैन को तरबियत की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद। पास आउट होने वालों में फलस्तीन, बहरीन, इराक, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल थे। वज़ीर आज़म की फिर पार्टी की मशावरती बैठक आज लगेगी। इजलास में मरीम नवाज समेत पार्टी की सीनियर क़यादत और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार तहरीक इंसाफ से जारी मुज़ाकरात पर ब्रीफ भी करेंगे। नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए लंदन से इजलास में शरीक होंगे। लाहौर में वज़ीर आज़म की छुट्टी के रोज अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात। पावर सेक्टर में जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौसम गर्मा में बिजली की तरसील में नुमाया बेहतरी के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। वज़ीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन भी हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के हामी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इंतखाबात आइन और कानून के दायरे में रहकर एक ही दिन होने चाहिए। इमरान खान अपनी मर्जी के मुज़ाकरात चाहते हैं, वो लाडले और फेवरेट चाइल्ड हैं, उन्हें हर तरफ से मदद दरकार है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और पीटीआई टिकट होल्डर अबू जर की बातचीत की मुबैना ऑडियो लीक। ऑडियो में अबू जर कहते हैं आपकी कोशिशें रंग ले आईं। अंजुम साकिब जवाब देते हैं बाबा ने बहुत मेहनत की, बस उनका शुक्रिया अदा करने आ जाना।
हमने हमेशा जमहूरियत पार्लियामेंट और आइन की बात की, पार्लियामेंट के कानूनी पर अमल ना करना उसे मफलूज करने के मुतरादिफ है। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एस एन भून का तकरीब से खिताब, कहा आइनी बुरान कैसे शुरू हुआ इस पर गौर किया जाएगा, हमें पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए काम करना होगा। लाहौर पुलिस और एंटी करप्शन साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने में नाकाम। 7 घंटे तक जारी रहने वाले ऑपरेशन में खवातीन समेत 25 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर का जहूरला रोड रात भर मैदान जंग बना रहा। परवेज इलाही ने पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। केस के मेरिट पर जाए बगैर दरख्वास्त गुजार को 6 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर की जाती है। दरख्वास्त गुजार 50,000 रुपये डिप्टी रजिस्ट्रार को मचल के जमा करवाए। तहरीरी फैसला, लाहौर हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन गुजवाला के मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। साबिक वजीर आला पंजाब पर एक और पर्चा कट गया। लाहौर में परवेज इलाही समेत 50 अपराध के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 19 अपराध की पेशी, पुलिस की जिस्मानी रिमांड की सदा पर फैसला महफूज कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ केस के वक्फा के बाद दोबारा समाअत। इमरान खान को 30 मई को जाती हैसियत में अदालत पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच 2 मई को समाअत करेगा। लाजर बेंच में जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस अनवारुल हक और जस्टिस अमजद रफीक शामिल। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला मौखर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत 18 मई को महफूज फैसला सुनाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने फैसला महफूज कर रखा है। मर्दमशुमारी का मामला, एमक्यूएम राबता कमेटी ने आज शाम 4 बजे फिर बैठक बुला ली। इजलास में इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात से होने वाली मुलाकातों पर राबता कमेटी को एतमाद में लिया जाएगा। कराची में खास तौर पर पख्तूनों को नहीं गिना जा रहा और इन पख्तूनों को गिनते नहीं है और ज्यादातर वो केपी में शो हो जाएंगे। आखिर में यही कारीगरी करते हैं ये लोग, चाहे मैनुअल करें या डिजिटल करें, करते तो इंसान ही है। अमीर जवाद इस्लामी नईमर इमान कहते हैं कि मर्दमशुमारी पर सवाल उठ रहे हैं। कराची और हैदराबाद के साथ ज्यादती हो रही है। 2017 में भी कराची के अवाम के पेट में चूरा घोंपा गया। सूबाई हुकूमत के मर्दमशुमारी करने वाले अमले पर होल्डर रखने का भी इल्जाम। सिस्टम को तब्दील नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने साफ बता दिया। कहते हैं एक और आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना होगा, हम एक से कर्जा लेकर दूसरे को देते हैं। इस साल 1000 अरब रुपए का बजट का खसारा होगा, हर साल डिफॉल्ट को बचाने की कोशिश होगी। असलाहत और आमदन में इजाफे के कमीशन का इजलास। वजीर खजाना इसहाक डार ने मुल्क की मौजूदा इकतसादी और मालियाती सूरतहाल पर रोशनी डाली। इजलास में कमीशन की जानिब से पेश की जाने वाली तजावीज पर भी गौर किया गया। कमीशन की सिफारिशा पर मुश्तमिल अबूरी रिपोर्ट वजीर खजाना को पेश कर दी गई। वफाकी वजीर मजहबी उमूर की ज़ेरे सदारत वज़ारत मजहबी उमूर में हज इंतजामात बारे अहम इजलास। 3 रोजा छुट्टी मंसूख कर दी गई। हज इंतजामात पर ब्रीफिंग और अहम हिदायत, हाजी कैंप्स के जरिए आज़मीन हज की तरबियत, मुआविनीन हज के इंतखाब, निजी हज स्कीम समेत मुतादिद उमूर ज़ेरे गौर आए।